बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वोट की जो रोशनाई है, जब हम वोट दे के आते हैं, वोट डाल के आते हैं, तो हमारी उंगलियों पे, हमारे नाखून पे कुछ निशानात लगा देते हैं, कुछ रोशनाई वगैरह, स्याही वगैरह लगा दी जाती हैं, तो ताकि जो है आदमी दोबारा जाकर चोरी चिपके जो है वोट नहीं डाल सके। तो अब मसला ये है, अगर किसी की उंगली पे वो रोशनाई लगा दी गई है, नाखून पे वो अभी भी मौजूद है, तो क्या इस सूरत में उसका वजू होगा या नहीं, उसका गुस्ल होगा या नहीं, क्या हुक्म है शरीयत का? जैसे कि मसला किताबुल मसाइल में जिल्द नंबर 1 सफर नंबर 136 पे, अह मसाइल में जिल्द नंबर 6 सफर नंबर 42 पर मौजूद है, जिसकी वजह से बिल्कुल बात वाज़े हो जाती है। उन किताबों पे मसला बिल्कुल साफ और सरी अल्फाज में लिखा है, वो जो रोशनाई लगाई जाती है वो तहदार नहीं है, तह वाली तहदार नहीं है। इसी वजह से अगर वो नाखून पे मौजूद हो, चमड़े पे लगा हुआ हो, वो रोशनाई नाखून पे लगी हुई हो, इस सूरत में वजू और गुस्ल बिला तरद्दुद जायज है। बिला कराहत, बिला तरद्दुद आपका वजू और आपका गुस्ल हो जाएगा शरअन, इसमें कोई हर्ज और कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह ताला सही मसला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं, ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए आप अपने व्हाट्सएप नंबर से ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।